मैनपुरी जनपद के बेवर थाना क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी से झोला छाप डॉक्टर मरीजों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। कस्बा बेवर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये झोला छाप डॉक्टर अपनी दुकान कुकुर मुत्तों की तरह सजाए बैठे हैं। गलत उपचार से बीमार लोगों की आए दिन लगातार मौतें हो रही हैं, लेकिन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई न होने से इन झोला छाप चिकित्सकों के हौसले बुलंद है। ना कोई डिग्री ना कोई डिप्लोमा, फिर भी अपनी क्लिनिक व अस्पताल खोलकर मरीजों का उपचार करते नजर आते हैं। बीते शाम को झोला छाप डॉक्टर द्वारा गलत उपचार करने से ग्राम नगला रामसिंह निवासी पंकज यादव का 8 वर्षीय पुत्र मयंक की मौत हो गई। 4 दिन पहले नगला केहरी निवासी अजेंद्र कुमार की झोला छाप डॉक्टर के उपचार से मौत हो गई। वहीं 4 माह पहले भी नगला दिलीप की महिला शीला देवी की भी उपचार के दौरान मौत हुई है। मामला उजागर होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की नींव टूटी है और जिलाधिकारी के आदेश पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी आरसी गुप्ता के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने झोला छाप डॉक्टर पर छापामार अभियान चलाया है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जनपद मैनपुरी के कस्बा बेवर पहुंची है, जहां गलत उपचार करने वाले डॉक्टर आदेश कुमार के क्लिनिक को सीज कर नोटिस चस्पा दिया। इसके अलावा गांव खजूरिया में होम्योपैथिक सेंटर पर छापा मारा तो वहां मौजूद डॉक्टर राजेश होम्योपैथिक की आड़ में एलोपैथिक का उपचार करते पाया गया। मौके पर बरामद एलोपैथिक दवाइयों को सील किया गया। इसके अलावा कस्बा बेवर और गांव मानकपुर हरी में छापा मारकर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान 5 प्राइवेट अस्पताल के अलावा 6 क्लिनिक सीज किए गए। झोला छाप डॉक्टर पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई के चलते झोला छाप डॉक्टर में हड़कंप मचा हुआ है। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर राजेश कुमार। अच्छा सर, आप जो है ना किस तरह के यहाँ पर उपचार कर रहे हैं, होम्योपैथिक से कर रहे हैं या एलोपैथिक से? सर बताइए। एलोपैथिक फर्स्ट एड दे देते हैं। अच्छा, इमरजेंसी में कोई आया था। वैसे होम्योपैथिक है। अच्छा, कितने परसों कर रहे हैं सर? 2 साल हुए। अच्छा, यहाँ पर जो है ना होम्योपैथिक में हमने देखा है कि कभी मरीज भर्ती नहीं किए जाते यहाँ पे। आपने बेड वेडों की व्यवस्था बेड कहाँ पहले तो बताओ? बेड ये बेंच है, ये डबल डबल करके बना रखे हैं आपने। जनपद मैनपुरी के कस्बा बेवर में झोला छाप के उपचार से एक की मौत हो गई थी। सर आपके द्वारा एक अभियान चलाया गया था, इसमें कितने झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है? माननीय CMO साहब, माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में आज एक झोला छाप इस मृत्यु के संबंध में एक अभियान चला रहा है, जिसमें 11 अधिष्ठान स्वामी जो गैर पंजीकृत थे, अवैध रूप से संचालित कर रहे थे, उनको हम लोगों ने नोटिस दिया है, जिसमें 5 जो क्लिनिक थे जो IPD कर रहे थे उनके यहाँ हमने सील करा है।